हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो हमेशा की तरह इस महीने भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र के आधार पर। फरवरी का ये महीना आप लोगों के लिए क्यों है इतना खास, क्या कुछ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, इसमें हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मूलांक पाँच वालों के बारे में यानी कि जिनका नंबर फाइव बनता है। आखिरकार आपके ग्रह के स्वामी कौन है, जिनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, आपके स्वभाव पर पड़ता है, आपके करियर पर पड़ता है। और फरवरी का ये महीना आपकी हेल्थ, वेल्थ और वर्क फ्रंट के लिए कैसा रहेगा। और देखिए, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे आपका लकी डे, लकी कलर और लकी नंबर क्या कहता है, तो सब पे बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मैं जिसे जान लेते हैं कि बर्थ डेट के हिसाब से आप ये कैसे जाने कि आपका मूलांक पाँच यानी कि नंबर फाइव बनता है। देखिए, अगर दर्शकों आपका जन्म किसी भी माह की 5 तारीख को हुआ है जी, या 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 बनेगा। और मूलांक जो है 9 ही होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। उसके अलावा जितने मूलांक होते हैं उनका टोटल कर दिया जाता है और जो संख्या निकल के आती है वही आपका मूलांक होता है जी। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका मूलांक क्या है। चलिए, तो मयंक जी, ये तो आपने इनके बर्थ डेट के हिसाब से इनको समझा दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनके ग्रह के स्वामी कौन हो, कौन से होते हैं और उनका प्रभाव इनके स्वभाव पर किस तरह से देखने को मिलता है। देखिए, इनके ग्रह के स्वामी बुध होते हैं और बुध जो है बहुत ही सौम्य ग्रह, बहुत ही रसिक ग्रह, बहुत ही अच्छा और मिलनसार ग्रह की तुलना में बुध की आती है। ज्योतिष में सबसे ज़्यादा आकर्षक नंबर में से एक मूलांक पाँच वाले होते हैं। बहुत ही आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, हर दिल अजीज होते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। इनको बड़ों का छोटों का बहुत प्यार मिलता है। बहुत ही आकर्षक ये संख्या देखी गई है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो मूलांक पाँच वाले जो हैं सबकी मददगार होते हैं, जीवन में बड़ी अच्छी तरक्की करते हैं। इनको हमेशा देखा गया है कि साफ सफाई बड़ी पसंद होती है, यानी कि ये गंदगी में बिल्कुल नहीं रह सकते हैं और हर जगह को साफ सुथरा रखना ये पसंद करते हैं जी। और बहुत ही खुश रहते हैं, मतलब कि आप इन पर पूरा भरोसा भी कर सकते हैं मूलांक पाँच वालों पर। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। चलिए, ये तो बात हुई आपके स्वभाव के बारे में, क्या कमियां और क्या खामियां आप लोगों में देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं बुध से प्रभावित आप लोगों के लिए करियर का कौन सा फील्ड सबसे अच्छा रहता है विकल्प के तौर पर, मुझे बताइए। देखिए, करियर के लिए इनके लिए वाणी से संबंधित कोई भी व्यवसाय, मार्केटिंग का काम इनके लिए बहुत अच्छा है। फील्ड वर्क कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब बुध है तो मीडिया लाइन भी बहुत अच्छी रहती है, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये अच्छा करते हैं। इनकी मेमोरी बड़ी शार्प रहती है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अपना नाम अच्छा रोशन कर सकते हैं। और मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलती है। अगर किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो ये मार्केटिंग में बहुत अच्छे उच्च फील्ड में जाते हैं और MBA करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। HR में बड़ा अच्छा नाम कमाते हैं। चलिए, अब बारी आती है फरवरी का ये मंथ आप लोगों के लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। लेकिन की सेहत जो है इस महीने काफ़ी अच्छी रहेगी, सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन खान पान पर थोड़ा संयम बरतें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वरना तो उस समय ज़्यादा अगर आपने खाना खा लिया या बाहर का जंक फूड ज़्यादा खा लिया, स्पाइसी खा लिया, तो आपको स्टमक इन्फेक्शन होने की आशंका रहेगी। उस चीज़ से आपको बचकर चलना चाहिए। मयंक जी, इनका वर्क फ्रंट क्या कहता है? देखिए, वर्क फ्रंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और चाहे आपकी जॉब हो चाहे बिजनेस हो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं मिल रही हैं इस फरवरी मास में। नए कार्य की शुरुआत भी आपको हो सकती है, नई नौकरी के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है कुछ समय से, उनको इस महीने नौकरी भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। व्यापारियों को भी अच्छा लाभ मिलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। और अगर आपका काम जो है गारमेंट्स का काम है, कपड़ों का काम जैसे बोला हमने, या प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो आपको ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी और बड़ा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। मैं ये देखिए, कई लोग अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो क्या उन्हें परिवर्तन से बचना चाहिए या नहीं? देखिए, इस महीने आप परिवर्तन कर सकते हैं बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर आप अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं या नए कार्य की शुरुआत करनी है, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं नौकरी छोड़ के, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए,
अब बारी आ जाती है आपकी वेल्थ को लेकर, क्योंकि देखिए हम काम तो करते हैं लेकिन किसके लिए करते हैं, कमाने के लिए, और ताकि कमा सकें और उस कमाई से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो वेल्थ इन लोगों का क्या कहता है? देखिए वेल्थ जो है इनकी काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है, आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा और धन लाभ के संकेत भी अच्छे हैं। आपके बिजनेस के जरिए से इस समय आपको धन लाभ मिलेगा, कहीं से अचानक से धन लाभ होने की संभावना भी है। साथ ही साथ अगर कहीं पैसा आपका कोई रुका हुआ था तो वो भी इस समय मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन ये आपके लिए रहेगा। चलिए तो ये आज हमने बात की 2 फरवरी, जी हाँ 2022 की ये फरवरी आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। अब जाते जाते जान लेते हैं आपका लकी डे, लकी कलर और लकी नंबर। लकी डे इनके लिए जो सबसे बढ़िया रहता है, एक तो अगर हम देखें इनके लिए बुधवार का दिन बड़ा शुभ रहता है और शुक्रवार का दिन इनके लिए शुभ रहता है और रविवार का दिन इनके लिए बड़ा शुभ रहता है। लकी नंबर क्या कहते हैं? लकी नंबर इनके लिए अगर हम देख रहे हैं, 1 नंबर इनके लिए बहुत लकी है, 5 नंबर और 7 नंबर इनके लिए बड़ा शुभ देखा गया है। लकी कलर? लकी कलर में इनके लिए हरा रंग और हल्का अगर हम बात करें कि येलो कलर इनके लिए, लाइट येलो इनके लिए बहुत शुभ है। पिंक कलर इनके लिए बड़ा शुभ देखा गया है और रेड कलर भी इनके लिए बड़ा अच्छा गया रहता है। चलिए तो जाते जाते अब बचता है हमारा रेमेडीज़ को लेकर, तो आइए जान लेते हैं कि इस महीने आपको क्या कुछ एज ए रेमेडी उपाय करने चाहिए। देखिए उपाय के तौर पर इस महीने आप गणेश जी की आराधना करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपका काम कारोबार व्यापार अच्छा चलेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूसरा आपको क्या उपाय करना चाहिए कि आपको गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थे हमारे साथ न्यूमोलॉजिस्ट मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि फरवरी का ये महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और अंकशास्त्र के आधार पर न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग मूलांक 5 वालों के लिए क्यों है ये महीना इतना सबसे ज़्यादा खास। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मूलांक 6 वालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।